क्लास फोर सोशल साइंस लेसन नंबर सिक्स और हमारे लेसन का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन। ओके, अब हम रिसोर्स के बारे में देखते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो अ रिसोर्स इज समथिंग दैट इज यूजफुल टू अस। रिसोर्स या संसाधन वो होगा वैसे कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सारे रिसोर्सेज हैं जो नेचर के गिफ्ट हैं। ये सब चीज़ें हमें नेचर के द्वारा मिलती है, सो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो रिसोर्स क्या चीज़ बोली जाएगी, वो चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल है उन्हें रिसोर्स बोलेंगे। ये एग्जाम्पल हो गए और ये सारी चीज़ें हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए हम उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिसोर्सेज लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, इसलिए ये कौन से हो गए, नेचुरल रिसोर्स। वेयर एज कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हम मैन मेड रिसोर्स बोलते हैं। ओके, तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, साधन संसाधन, तो ये सब ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, मानव द्वारा, इसलिए इनको मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। अब टू टाइप्स में इनको आगे भी फर्दर हम ये दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है नवीनीकरणीय, मतलब इन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं या फिर ये बहुत टाइम के लिए हमारे पास रहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जो दोबारा से या तो बन ही नहीं सकते, और अगर बनते हैं तो उन्हें दोबारा बनने में बहुत लंबा समय लगता है, हज़ारों साल तक भी लग जाते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सम रिसोर्सेज लास्ट फॉरएवर। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत टाइम के लिए रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा सनलाइट, वाटर, एयर, तो ये हो जाएंगे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि या तो बनते ही नहीं हैं, और अगर बनते हैं तो उन्हें लॉन्ग टाइम लगता है बनने में। फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।